हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द क्राउन बुक का फिजिक्स। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में हम मात्रक एवं विमा बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट पेज है फिजिक्स का, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसे पढ़ रहा हूँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ ऐसी भौतिकी राशि जो स्वतंत्र हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में सात मूल राशियाँ हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशि कहती है। जैसे क्षेत्रफल, ये मूल राशियों से बनी होती है। जैसे दो बार अगर हम मीटर लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही एरिया का यूनिट होता है। यहाँ पे फोर्स, जिसको बल बोलते हैं, कार्य, आयतन इत्यादि। यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने बोला लंबाई गुने चौड़ाई, दो बार मीटर लिया, मीटर को मैंने दो बार स्क्वायर किया तो यह मीटर स्क्वायर हो गया। यही व्युत्पन्न राशि होती है जो कि दो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मात्रक पद्धति, अब देखिए कितने प्रकार के मात्रक पद्धति होती है उसके बारे में। पहला सीजीएस, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसके नाम में ही इसका फुल फॉर्म है। सीजीएस में आप देख सकते हैं, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो ये इस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में ही डिफाइन करता है किसी का भी यूनिट। उसके बाद आता है FPS, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसमें F का फुल फॉर्म होता है फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। इसके बाद आता है MKS, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। FPS को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं और CGS को हम लोग डेसिमल पद्धति भी बोलते हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। अब इसके आगे आता है SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये MKS का ही एडवांस रूप है। आजकल हम लोग इसी पद्धति का यूज करते हैं, SI यूनिट जैसे हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे सात मूल राशियाँ होंगी, तीन तीन छः, तीन छः एक सात। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। इसका यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। इसके आगे ये द्रव्यमान, जिसको हम लोग मास बोलते हैं, मास का होता है SI यूनिट किलोग्राम। इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है टाइम, टाइम का समय, समय का सेकेंड, इसका शॉर्ट फॉर्म एस, इसे एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसका एम्पेयर हो गया ए। इसके बाद ताप, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, इसका SI यूनिट होता है केल्विन, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका SI यूनिट होता है कैंडेला, इसको डिनोट CD से करते हैं। और मोल की, पदार्थ की मात्रा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको बोलेंगे हम लोग, उसका हो गया मोल, इसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो और है जिसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। समतल कोण, जिसको इंग्लिश में रेडियन बोलते हैं, इसका SI यूनिट रेडियन होता है और इसको RAD से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है घन कोण, जिसको जिसका SI यूनिट स्टेडियन होता है, इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख मात्रक, जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है कि एक लाइट को, एक वर्ष में लाइट कितनी दूरी को डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हम लोग उसको ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये आपको डिस्टेंस का क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10^15 मीटर। खगोलीय मात्रक, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय मात्रक कितनी होती है? 1.496 × 10^11 मीटर। कहीं कहीं पर आपको 1.5 × 10^11 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा।
पार्सेक, ये भी डिस्टेंस का सबसे बड़ा डिस्टेंस का यूनिट यही है। एक पार्सेक होता है 3.08 × 10^16 मीटर, जिसको हम लोग 3.26 प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। फैदम, इसका ये भी एक डिस्टेंस का ही यूनिट है। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। 1 फैदम 6 फीट होता है, जिसका लगभग मीटर में 1.828 मीटर होता है। एक कबे केवल 100 फैदम के बराबर होता है, मतलब 600 फीट। समुद्री मील, इनका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में होता है। एक समुद्री मील 1.852 मीटर होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे, एक चंद्रशेखर सीमा, 1.4 सूर्य का द्रव्यमान, मतलब मास का जो सूर्य का जो मास होता है उसका 1.4 टाइम्स जो होता है वो 1 चंद्रशेखर सीमा के बराबर होता है। इसको किलोग्राम में 2.8 × 10^30 किलोग्राम बोलते हैं। एक मोल पदार्थ कितना होता है? 6.023 × 10^23 परमाणु। 1 लीटर बराबर आपको 10 का पावर क्यूब सेंटीमीटर। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा एक टैंक में का वॉल्यूम कितना है, तो उसमें पानी कितना हम लोग रख सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर। 1 बैरल 158.9871 लीटर। उसके आगे चलते हैं अब हम लोग। सूर्य कॉस्मिक वर्ष क्या होता है? सूर्य को अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर लगाने वाला समय। 1 कॉस्मिक वर्ष 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। 1 सौर मास 30 दिन या 31 दिन या 28 या 29 दिन फरवरी में होता है। 1 लीप वर्ष 366 दिन, लेकिन फरवरी में लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब आगे चलते हैं। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 × 10^11 मीटर के बराबर होता है। 1 मील 1.96 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 नॉटिकल मील 1.852 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये किए है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग 10^-10 मीटर के बराबर होता है, और 1 फैदम 6 मीटर के बराबर होता है। और इसको अगर हम लोग मीटर में निकालेंगे तो यहाँ पे 1.8 समथिंग के मीटर के बराबर में होगा, जिसके बारे में ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये। अब आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम 100 ग्राम के बराबर होता है। 1 slug 14.59 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 ounce आपको 28.35 ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट में आपको यहाँ पे है, एक एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक 1.6 × 10^-27 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है, और 1 pound 453.59 ग्राम के बराबर होता है, जिसको हम 16 ounce भी बोलते हैं। अब समय का प्रमुख मात्रक देख लीजिए, 1 मिनट 60 सेकंड, आपको पता ही होगा, 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 3600 सेकंड, और 24 घंटा। 24 घंटा को हम लोग 86,400 सेकंड या फिर 14,040 मिनट के बराबर होता है। ये सब याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आप उसको निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें सेकेंड कितने होते हैं? 3.16 × 10^7 सेकेंड। अब एरिया से रिलेटेड यूनिट जान लेते हैं। 1 एकड़ बराबर 4,046.85 वर्ग मीटर के बराबर होता है, जबकि 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ होता है, और 100 हेक्टेयर बराबर 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है। 1 वर्ग मील 2.6 वर्ग स्क्वायर हेक्टेयर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़ भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर से वही चीज जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, लंबाई, लंबाई का मीटर ऐसा यूनिट होता है, मास का किलोग्राम, समय का सेकंड,
एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, हिंदी में आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को, घनत्व इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, आपेक्षिक घनत्व इसका मात्रक रहित, इसमें नहीं होता है कोई यूनिट, चाल या वेग मीटर पर सेकंड, एक्सलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेखीय संवेग इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब मास इनटू वॉल्यूम, मोमेंटम को हम लोग रेखीय संवेग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आता है मास इनटू वेलोसिटी, इसलिए किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। फोर्स का जिसको हिंदी में बल बोलते हैं न्यूटन, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलरेशन न्यूटन सेकंड। ऊर्जा एनर्जी जिसको बोलते हैं जूल, कार्य वर्क जूल या न्यूटन मीटर, शक्ति पावर जूल पर सेकंड या वॉट। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपको ये दाब, प्रेशर का जिसको प्रेशर का हिंदी दाब होता है, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या फिर पास्कल बोलते हैं, कोण का रेडियन, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड। उसके आगे इम्पोर्टेंट आपको एक आवृत्ति जिसका इसको इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसका हर्ट्ज जो होता है, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर बोलते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट में आपको विद्युत फ्लक्स वोल्ट मीटर, आवेश का कूलम ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट में इसमें इसमें और कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। 10 का पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, और 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, फिर 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं, और 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं। इतना तक आप याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस में इसका पावर का 10^-1 को डेसी बोलते हैं, फिर 10^-2 को सेंटी बोलते हैं, -3 को मिली बोलते हैं, और -6 को माइक्रो बोलते हैं, -10^-9 को नैनो बोलते हैं। तो ये भी इसके आगे आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना तक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था द क्राउन के फिजिक्स चैप्टर का पहला यूनिट, 10.1 यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में 10.2 यूनिट्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।